हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको रासायनिक संयोग के नियम बताए। रासायनिक संयोग क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह कुछ नियमों का पालन करती है, उन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहले वाला जो नियम हमने आपको बताया था वो बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक इसका दूसरा नाम भी बताया था आपको, ध्यान होगा, द्रव्य की अविनाशता का नियम। तो ये नियम क्या कहता है बताया था हमने आपको, ध्यान होगा, ध्यान नहीं तो दोबारा सुन लें, कि किसी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कोई लॉस नहीं होता है। इसी तरह से इसको द्रव्य की अविनाशता का नियम क्यों कहते हैं? तो दूसरे शब्दों में हमने आपको बताया भी था, द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न नष्ट ही किया जा सकता है, इसलिए इस नियम को द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आपको आज दूसरा नियम बताने जो जा रहे हैं, उस नियम का नाम है द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। उसी आधार पर उन्होंने एक नियम दिया। तो उस नियम के अनुसार क्या है? द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य को उसके ऊर्जा, यानी द्रव्य को किसमें? उसके ऊर्जा, और ऊर्जा को उसके द्रव्य मान में बदला जा सकता है, तथा किसी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान और ऊर्जा, यानी द्रव्यमान एम और एनर्जी ई, द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो एक सूत्र होता है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इस सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकता है। इसके लिए एक अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया वह इस प्रकार है, E बराबर mc स्क्वायर। m क्या है? यहाँ पे हमारा द्रव्यमान मास है। m क्या है? मास। E बराबर क्या है? E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान, ये जो आपको c दिखाई दे रहा है ये है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। इस फॉर्मूले से द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अतः इस आधार पर आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तन द्वारा द्रव्यमान का न तो लाभ होता है और न हानि होती है, इसलिए सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। उदाहरण के अनुसार आप ऐसे समझें, जैसे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को नेट को गर्म करने पर गर्म करने पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और
5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड प्राप्त होती है। जैसे CaCO3, CaO+CO2। कितनी कैल्शियम कार्बोनेट थी? 10 ग्राम। तो ये जो क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अभिकारक, अभिकारक। और जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद, उत्पाद। कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितनी प्राप्त हुई? 5.6 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्राप्त हुई? 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। तो हमने इस नियम में बताया कि अभिकारक और उत्पाद कुल दोनों की जो ऊर्जा है वो नियत होती है। यदि हम उत्पादों का योग करें, जैसे 10 ग्राम अभिकारक है उससे कितना प्रोडक्ट बना हमारा? 5.6 प्लस 4.4 इक्वल टू 10। तो कहने का मीन्स क्या है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का ही द्रव्यमान बराबर है, इसलिए यह अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करती है।